अरुणाचल में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान एक सेना का ट्रक खाई में गिर गया। उसी दौरान उसके अंदर जवान तैनात थे 7 जने, उसमें से 3 जवान शहीद हो गए और 4 बुरी तरह से घायल हो गए। और उसमें ही शामिल थे जो शहीद हुए उसमें बाड़मेर से 95 किलोमीटर दूर हरसानी के रहने वाले हवलदार नकद सिंह वह भी शामिल थे, और वह भी उस ट्रक के अंदर थे जो खाई में गिरा था, उसमें वह भी शहीद हो गए। बता दें आपको कि हवलदार नकद सिंह के पार्थिव देह को अभी तक बाड़मेर नहीं लाया गया है और कल 11 बजे के आसपास बाड़मेर लाया जाएगा। और बता दें आपको कि हवलदार नगद सिंह जिनकी जॉइनिंग सेना में 2010 में हुई थी और उनके मासूम 2 बच्चे भी हैं, 1 7 साल का बच्चा और एक मासूम बेटी जो 3 साल की। बता दें आपको कि हवलदार नगद सिंह की शादी 2015 में हुई थी और अभी तक उनके पार्थिव देह को बाढ़ में नहीं लाया गया है। बता दें आपको कि ऑपरेशन अलर्ट के दौरान उनका जो ट्रक था वह खाई में गिर गया। हादसा 27 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के लिमिकिंग से करीब 15 किलोमीटर दूर बोरा रूपल के पास हुआ। उधर शोक में बाड़मेर के हरसाणी गांव का बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा। और उसी के साथ ही बता दें आपको कि नकद सिंह सहित 6 भाई और 1 बहन थे। इनके पिता का स्वर्गवास करीब 5 साल पहले हो गया था। भाई खेतीबाड़ी करते हैं और पत्नी विजयलक्ष्मी गृहिणी है। और बता दें आपको कि नकद सिंह के पार्थिव देह गुरुवार 29 अगस्त की 11 बजे बाड़मेर लाई जाएगी। असम के डिब्रूगढ़ एयरबेस से हेलीकॉप्टर से रखकर पार्थिव देह को पहले दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद बाड़मेर उनके घर लाया जाएगा। और बता दें आपको कि जिला मुख्यालय से 145 किलोमीटर दूर हादसा हुआ। हादसा मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से करीब 145 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जो ट्रक चल रहा था उसी दौरान ट्रक खाई में गिर गया और बड़ा हादसा हो गया। भारतीय सेना के पूर्व कमान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी और सभी रैंक्स ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ दृढ़ता से खड़ी रहेगी।